हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अहिल्या माता का वह स्थान जहां पे भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था, और हम उनके पति गौतम मुनि का आश्रम भी देखेंगे। इस समय हम आ गए हैं कमतौल रेलवे स्टेशन। यहां से अहिल्या माता का मंदिर 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कमतौल रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ियाँ बहुत कम जाती हैं, इसलिए लोग दरभंगा जंक्शन पे, जो कि बिहार में पड़ता है, यहीं पे उतर जाते हैं। यहाँ से बस करके वो कमतौल चले जाते हैं, क्योंकि 22 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ से फिर अहिल्या जी के मंदिर पहुँच जाते हैं। तो यही है स्टेशन दरभंगा जंक्शन। रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शे लगे हुए हैं, यहाँ से आप अहिल्या माता मंदिर जा सकते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एक चौराहा दिखेगा, जहाँ पे एक डायरेक्शन दिशा दिखाई गई है, जहाँ पे अहिल्या माता का स्थान गौतम कुंड को जा सकते हैं। मैंने भी एक रिक्शा किया और अहिल्या माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और यह अहियारी गांव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं मंदिर पहुंच चुका हूं, और अब आगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं मंदिर पहुंच चुका हूं, और यहां से मैं अंदर की ओर जा रहा हूं, और उस स्थान के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहां पे भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था। मैं अब आ गया हूँ मंदिर के ठीक सामने। अब यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे और दर्शन करेंगे। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो ज़रूर जाके देखिएगा। हम अयोध्या से जनकपुर तक एपिसोड बाय एपिसोड वीडियो बना रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम ने विश्राम किए हैं, वहाँ वहाँ की वीडियो है। तो दोस्तों, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। प्रेम से बोलिए श्री राम भगवान की जय, अहिल्या माता की जय हो। अब यहाँ के बाबा से इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे। बाबा, थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में। ये मंदिर है 450 वर्ष पुराना, और ये मंदिर बना था अहिल्या जी के लिए। मूर्ति भी देखते हैं, शायद अहिल्या है, ये गौतम ऋषि है। मूर्ति भी आ गया बनारस से। जब स्थापना का समय हुआ तो महाराजा को अहिल्या को अपने दिए कि हे राजन, हम जन जन्मांतर से पत्थर में थे, इसलिए आप पत्थर में हमें मत डालो। राजा पूछ दिए कि तब मैं तो बनवाया आपके लिए, तो मैं इसका तो उसमें उनको रखो जो हमको उद्धार किए हैं। तब राम जानकी चारों भाई, हनुमान जी और जानकी जी का मूर्ति इसमें स्थापना हुआ। अच्छा। जो अभी तक पूजा पाठ चल रहा है, वैसे उनकी कृपा जो हो, ये मंदिर बनना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए भगवान क्या कर रहे हैं। हम भी आ रहे हैं बहुत दूर से, अयोध्या की तरफ से, अयोध्या से। हमारे यहाँ के पंडित जी गए हैं अयोध्या, जन प्रणाम करते हुए। तो दोस्तों, आपने सुना बाबा ने क्या कहा कि यही अहिल्या माता का मंदिर एक राजा ने बनवाया था, जो कि अहिल्या माता ने उन्हें सपने में आकर ये कहा कि मेरा मंदिर बनवाए हैं, पर इसमें राम जी की मूर्ति रखिएगा, क्योंकि मेरा उद्धार उन्होंने किया है। इसी वजह से इस मंदिर में राम के साथ चारों भाई, हनुमान जी एवं गौतम ऋषि, अहिल्या माता की मूर्ति स्थापित है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आगे की वीडियो में बने रहिएगा, अभी और भी कुछ बाकी है देखने के लिए। और पुजारी जी ने बताया, यह मंदिर 450 वर्ष पुराना है, और इस मंदिर का निर्माण ज़रूरी है, और हम ही लोगों के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हो सकता है।
और जब हमें पता रहेगा हिरला माता का मंदिर कहाँ है, जब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, दान देंगे, तभी तो मंदिर का निर्माण होगा। तो हमें सहयोग करना चाहिए, आप आइए, दर्शन करिए, सहयोग करिए। जय श्री राम। मंदिर के ठीक सामने अहिल्या माता गौतम ऋषि का आश्रम है, जो कि पुजारी जी ने मुझे बताया। तो हम चलते हैं आश्रम की ओर। हम अब आ गए हैं गौतम ऋषि आश्रम। यही वो आश्रम है जहाँ पे गौतम ऋषि अहिल्या के साथ रहा करते थे, और यही वो स्तंभ की तरह मंदिर बना हुआ है जिसमें प्रभु श्री राम, चारों भाई हनुमान सहित मूर्ति स्थापित है, और यही वो पवित्र गौतम ऋषि का आश्रम है। आइए दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलिए अहिल्या माता की जय। यहाँ पर देख सकते हैं अहिल्या माता, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे दो ऐसे मिट्टी की तरह बनाए गए हैं। मुझे पूछने भी पता चला यह गौतम मुनि एवं अहिल्या माता का एक तरह से समाधि स्थल है। यहाँ मंदिर के सामने रामायण के कुछ दोहे लिखे गए हैं जो कि अहिल्या माता के ऊपर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर मंदिर पे प्रभु श्री राम का एक मैप लगा रहता है, यहाँ पर भी एक मैप लगा हुआ है। मंदिर के बगल में एक कुंड है जो कि आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बाहर से दिखाते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है, लेकिन मैं पूछना भूल गया उस समय कि मेला यहाँ पे कब लगता है। तो आजकल गूगल है, गूगल पे सर्च करने में पता ही चल जाता है। तो मंदिर के यहाँ पे सामने एक कुंड है जो कि यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं और फिर जाके मंदिर में दर्शन भी करते हैं। यह मंदिर के पास एक कुंड है, इसमें कमल के फूल भी खिले हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है यहाँ पे। हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। इसके आगे की कहानी ये है कि अहिल्या माता को श्राप देकर गौतम मुनि इस आश्रम को छोड़ के दूसरे स्थान में बस गए थे। तो हम यहाँ से आगे की वीडियो में उसी स्थान के बारे में दिखाएंगे। वह स्थान अब गौतम कुंड के नाम से विख्यात है। यहाँ पे दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। कल की वीडियो में हम इसी कुंड के बारे में बताएंगे। जय श्री राम।